अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद है बखैर होंगे। आज हम एक नए ब्लॉग के साथ आपके लिए हाजिर हैं। आज एक नई जगह जा रहे हैं हम लोग। आज दरगाह पर नहीं, बल्कि आज हम जा रहे हैं हमारे गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर। ये पीछे आप देख रहे हैं NTPC है, जो दिखाई दे रहा होगा हल्का सा। उसी के बगल में टांडा पुल है। उस टांडा पुल के नीचे तमाम नाव वगैरह है। हमारे यहाँ पर घाघरा नदी आबाद है, उस नदी में आज हम सैर करेंगे। हमारे साथ ये देखिए, जहाँ हम पढ़ाते हैं वहीं के सारे लोग हैं और सारे लोग आज हमारे साथ जा रहे हैं। उम्मीद है इसी तरीके से बने रहें, आज बड़ा मज़ा आने वाला है। ये आप देख रहे होंगे पीछे NTPC, और ये खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं। पूरी हरियाली ही हरियाली है, इधर नदी है और इधर हरियाली है। इसके सिवा और घर आबाद ही नहीं है यहाँ पर। तकरीबन 10 किलोमीटर के रेंज में एक भी घर आबाद नहीं है। आपको यहाँ से लेकर वहाँ जो NTPC दिखाई दे रहा है, जहाँ से लाइट बनता है, ये लाइट यहाँ से बनकर नेपाल की धरती पर जाता है। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इस जगह से लेकर इस पार से लेकर उस पार तक एक भी घर नहीं आबाद है। आइए हम आपको पीछे दिखाते हैं, आप देखें। ये देख रहे हैं आप खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से जो ये दिखाई दे रहा है, ये NTPC है। यहीं से लाइट बनकर नेपाल की धरती पर जाता है। और ये पूरा देख रहे हैं आप, पूरा हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ से। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम रास्ते में हैं, और ये जो ढाबा आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ की बहुत मशहूर चाय है। अभी हम वहाँ पर चाय पियेंगे, फिर इंशाल्लाह उलजीज आपको सारा नज़ारा दिखाएंगे। तो इस वक्त हम टांडा वाले पुल रोड पर आ चुके हैं, और 1 किलोमीटर तकरीबन है वो पुल। अभी हम उस पुल के पास पहुँच कर आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं और पूरा पुल का नज़ारा आपको करवाते हैं। देख रहे हैं साइड से आवाज़ें आ रही है, इंशाल्लाह अभी पहुँच कर सारी वीडियो का नज़ारा आपको करवाते हैं। महसूस हो रहा था उससे एकदम बढ़िया महसूस हो रहा है। आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल, उसमें जो है मीटर और जो क्लच वगैरह सब फेल है? सब फेल है, उसमें कुछ नहीं, खाली एक अगली ब्रेक है, थोड़ा हल्का लगती है बस। फिर भी ये बहुत तेजी से चला रहे थे, जितना कंट्रोलिंग मेरी गाड़ी में था, देखिए उतनी ही कंट्रोलिंग इतनी इनकी गाड़ी में भी था, क्योंकि ये ड्राइवर बहुत पुराने हो चुके हैं लग रहा है मुझे, 15 साल हो। तो फाइनली नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो है हम पुल के नीचे आ चुके हैं, बस स्टीमर का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए स्टीमर वहाँ पर है और बस वहीं हम जा रहे हैं थोड़ा देर। ये देखिए नीचे का नज़ारा है, और ये देखिए नाय है, बस इसी पे हम लोग चल रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कितना भाड़ा वगैरह लेते हैं, और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। तो फाइनली नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारी जो नाव की सवारी है, जिसको सफीना उर्दू में कहते हैं, वो बिल्कुल निकल चुकी है। अभी इसको स्टार्ट करेंगे ड्राइवर साहब, और अभी हम पूरे पुल के नीचे का नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ जो आए थे।
आया। ये जो घाघरा नदी है बहुत बड़ी नदी है, ये जब बाढ़ती है तो तकरीबन कई गांव को लेकर पार कर जाती है। जिस रोड से हम लोग आए हैं वो बंधा है, उस बंधे से होकर हम लोग यहाँ पुल तक आए हैं और आपको हमने सारा नज़ारा दिखाया। ये देखिए हमारे साथ जो लोग आए हैं वो यहीं पीछे खड़े हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।